कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल विजुलाइजेशन, मल्टीपल विजुलाइजेशन के दरमियान हम कोऑर्डिनेट किस तरह से कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मॉडल अगर हैं तो मॉडल के दरमियान भी अगर ब्रोकन अप व्यूज हैं तो दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, और यही हाल विजुलाइजेशन का है। हाउ डू वी कीप मल्टीपल साइमल्टेनियस विजुलाइजेशन ऑफ द सेम पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर मॉडल कंसिस्टेंट विद ईच अदर एंड द मॉडल, तो ये कैसे हम करें कि मॉडल के साथ हम जो है वो विजुलाइजेशन को भी कंसिस्टेंट रखें, जो कि आपस में भी कंसिस्टेंट हो और मॉडल के साथ भी कंसिस्टेंट हो। दिस इज़ नॉट द सेम एज मेंटेनिंग आर्किटेक्चरल कंसिस्टेंसी। एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर विजुलाइजेशन कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्किटेक्चर भी आप कंसिस्टेंट ही होगा, ठीक है, और एंड वाइस वर्सा कुड ऑल्सो भी कंसिडर। अगर विजुलाइजेशन कंसिस्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि आर्किटेक्चर भी कंसिस्टेंट है, और अगर आर्किटेक्चर इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है, इफ़ आर्किटेक्चर इज़ इनकन्सिस्टेंट तो पॉसिबली ज़रूरी नहीं है कि विजुलाइजेशन भी इनकन्सिस्टेंट होगी, विजुलाइजेशन कैन भी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये रखें क्योंकि विजुलाइजेशन इज़ जस्ट मॉडल इज़ एब्स्ट्रैक्शन एंड विजुलाइजेशन इज़ यू नो रियलाइजेशन एंड डिपिक्शन ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन फ़र्क कहाँ आ सकता है कि जब हम उस एब्स्ट्रैक्शन को एक्चुअली विजुलाइज या रियलाइज कर रहे हैं तो यकीनन वहाँ पे फ़र्क आ सकता है। इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग विद द मॉडल दिस एरर वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द विजुलाइजेशन। लेकिन यूजली अगर मॉडल में कोई चीज़ ख़राब है, कोई चीज़ गलत है, तो हम अगर उसे एज इट इज़ विजुलाइज करेंगे तो वो गलती या ख़राबी वो विजुलाइजेशन में भी रिफ्लेक्ट होगी आमतौर पर, ठीक है। अगर मॉडल में मसला है, कोई मॉडल ठीक नहीं है, मैं किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट ही गलत कर रहा हूँ, तो मैं उसी गलती को रिफ्लेक्ट भी करूँगा थ्रू विजुलाइजेशन, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग कि अगर मॉडल में मसला तो विजुलाइजेशन में आमतौर पर वो मसला जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। कैन बी मेट मेड मच ईजियर बाई मेकिंग सिंप्लीफाइंग अजम्पशन, और हम इसको ईजी कर सकते हैं बाई सिंप्लीफाइंग अजम्पशन, ताकि अपनी अजम्पशंस को आसान करके हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वट वी कैन डू इज मेक श्योर दैट वन विजुलाइजेशन में ऑपरेट एट अ टाइम, कि एट अ टाइम एक ही विजुलाइजेशन है वो ऑपरेट या एक्ट करेगी, और वन टूल कैन ऑपरेट ऑन द मॉडल एट अ टाइम, और एट अ टाइम एक ही जो टूल होगा वो विजुलाइजेशन या मॉडल पे ऑपरेट करेगा। बट वॉट इफ़ यू कैन नॉट सिंप्लीफाई लाइक दिस, लेकिन अगर किसी सिस्टम में क्या ये पॉसिबल है कि एट अ टाइम एक ही विजुलाइजेशन ऑपरेट हो, एक ही विजुलाइजेशन का एट अ टाइम ऑपरेट होने से मुराद है कि एट अ टाइम किसी ऑब्जेक्ट की एक ही फंक्शनैलिटी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। एट अ टाइम एक विजुलाइजेशन, आई एम टेलिंग यू अगेन, एट अ टाइम एक विजुलाइजेशन के ऑपरेट होने से मुराद ये है, क्योंकि विजुलाइजेशन क्या है, दिस इज जस्ट डिपिक्शन ऑफ द मॉडल, और मॉडल एक्चुअली क्या है, वो एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू डेवलप। यकीनन वो किसी फंक्शनैलिटी को ही एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो अगर एक विजुलाइजेशन एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, इसका मतलब है किसी भी सिस्टम के एक ऑब्जेक्ट की कोई एक सर्टन हिस्सा या फंक्शनैलिटी सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि क्या इतनी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ विजुलाइजेशन है, क्या वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में पॉसिबल है कि एट अ टाइम एक ही एग्जीक्यूट करे, दैट इज द क्वेश्चन। सो आमतौर पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो वट वी डू, वी हैव यू नो सम कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रेटजीज फॉर विजुलाइजेशन, कि एक से ज़्यादा अगर विजुलाइजेशन है वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी, ये पता चलाना ज़रूरी है। इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करते हैं। सो जो कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजीज हैं फॉर विजुलाइजेशन, उनमें सबसे पहली तो है जी पीयर टू पीयर, जैसे कि नाम से जाहिर है एक विजुलाइजेशन दूसरी के साथ उसमें कनेक्ट करती है या कोऑर्डिनेट या कम्युनिकेट करती है। एज विजुलाइजेशन कम्युनिकेट विद ईच अदर विजुलाइजेशन फॉर अपडेट, एक विजुलाइजेशन दूसरी के साथ जो है वो कम्युनिकेट करती है फॉर अपडेट। है स्केलिंग प्रॉब्लम, इसका मसला ये है कि इसमें जैसे जैसे विजुलाइजेशन की तादाद बढ़ती जाती है, इस ओवरऑल जो है आर्किटेक्चर को इसका स्केल अप करने में प्रॉब्लम आती है। इसकी हम वजह देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। एंड वर्क बेस्ट, ये बेहतरीन काम करती है फॉर विजुलाइजेशन नोन एज प्रियोरी, उन विजुलाइजेशन के लिए जिन्हें हम प्रियोरी कहते हैं। प्रियोरी से मुराद ये फ्रॉम द प्रीवियस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें यह पता है कि एक बॉक्स में 10 किस्म की पेंसिल्स है ना, और उन पेंसिल्स के हमें यह पता है उनमें से 3 रेड हैं, 3 ब्लू हैं, 4 उसमें से ग्रीन हैं, इट मींस वी हैव प्रियोरी नॉलेज ऑफ द कलर ऑफ द पेंसिल्स, ठीक है। हमें पेंसिल के कलर का प्रियोरी नॉलेज है, यानी बिफोर हैंड नॉलेज है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ऐसे विजुलाइजेशन के लिए ये अच्छी टेक्निक है जो कि विजुलाइजेशन
एक विजुलाइजेशन अपनी से पिछली वाली के साथ लिंक हो। और इस आर्किटेक्चर में या इस कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी में हर विजुलाइजेशन का दूसरे के साथ लिंक अप होना ज़रूरी है। दैट्स वाई वी से कि इट हैज़ स्केलिंग प्रॉब्लम। वो इस तरह से स्केलिंग प्रॉब्लम है कि जैसे नंबर ऑफ विजुलाइजेशन बढ़ती जाएंगी उतने ही उनके ज़्यादा दरमियान जो हैं वो कनेक्शंस वो भी बढ़ते जाएंगे। और इन कनेक्शन के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है जी, एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू। ठीक है, जितनी विजुलाइजेशन है उसके दरमियान कनेक्शन कितने बनेंगे वो इस फार्मूला से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एन की वैल्यू टू है, ठीक है, तो यकीनन इसके जो ओवर इस फार्मूले में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो वन आएगा। इट मीन्स कि अगर विजुलाइजेशन दो हैं तो उनके दरमियान जो है वो कनेक्शन है वो एक ही बनेगा। यहाँ पे हमने सिंगल कनेक्शन को टू में डिवाइड किया हुआ इतना से, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से विजुलाइज करें तो ये एक ही कनेक्शन बनेगा यानी डबल हेडेड एरो के साथ। तो दैट्स वाई जैसे नंबर जैसे जैसे नंबर ऑफ विजुलाइजेशन बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इसमें स्केलिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि वी नीड टू मेंटेन यू नो कनेक्शन बिटवीन ईच वन ऑफ द विजुलाइजेशन। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है अमंग फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग विजुलाइजेशन, जिसे हम पीयर टू पीयर स्ट्रेटजी कहते हैं। अनदर वन इज मास्टर स्लेव, जैसे कि नाम से जाहिर है इसमें जो अगर हम दो विजुलाइजेशन की बात करें तो इसमें से एक विजुलाइजेशन मास्टर होगी और दूसरी विजुलाइजेशन इसमें स्लेव होगी। वर्क स्पेस व्हेन विजुलाइजेशन आर सबऑर्डिनेट, जैसे अभी हम बात की है तब बेहतर स्ट्रेटजी ये काम करती है जब एक विजुलाइजेशन स्लेव है या सबऑर्डिनेट है यानी दूसरी पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अ थंबनेल और ओवरव्यू नेक्स्ट टू अ मेन जूम्ड इन विजुलाइजेशन, आपने अक्सर देखा होगा इवन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब आप उसका स्लाइड व्यू सर्टन स्लाइड व्यू करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्लाइड जो है वो थंबनेल फॉर्म में नज़र आ रही होती हैं। जैसे आप किसी को क्लिक करते हैं वो राइट पैनल में क्या है वो स्लाइड बड़ी होके हमें शो हो जाती है। तो इसमें क्या है कि विजुलाइजेशन वो वाली जो होगी वो मास्टर होगी, दैट इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट लिंक्ड विद द मॉडल रिपोजिटरी, और जो वाली विजुलाइजेशन टू विजुलाइजेशन वन पे डिपेंडेंट है बिकॉज विजुलाइजेशन वन ही मॉडल रिपोजिटरी से कनेक्टेड है और विजुलाइजेशन टू जो है एक्चुअली वो विजुलाइजेशन वन पे डिपेंडेंट है इस मॉडल रिपोजिटरी को एक्सेस करने के लिए। दैट्स वाई वी से के विजुलाइजेशन वन कैट कुड बी कंसिडर्ड एज मास्टर विजुलाइजेशन हेयर एंड विजुलाइजेशन टू इज कैन बी कंसिडर्ड एज स्लेव विजुलाइजेशन हेयर। तो कोऑर्डिनेशन की ये एक और स्ट्रेटजी है। और कोऑर्डिनेशन की जो से अगली स्ट्रेटजी है दैट इज पुल बेस्ड। पुल बेस्ड स्ट्रेटजी जैसे कि अपने हमने पुश और पुल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पुल हमने ख़ास तौर पे जब हम इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई किसी भी ऑपरेशन को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट इट विल डू इफ़ इट रिक्वेस्ट समवन और सम कंपोनेंट टू गिव इट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देन इट इज़ अ पुल स्ट्रेटजी। लेकिन अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है कोई कॉम्पोनेंट या ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो उसकी आउटकम पब्लिश कर देता है देन इट इज़ अ पुश स्ट्रेटजी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि ये क्या है। विजुलाइजेशन रिपोर्टेडली पोल अ मॉडल रिपोजिटरी फॉर चेंजेस, ठीक है, विजुलाइजेशन जो है कॉन्टीन्यूसली किसी मॉडल रिपोजिटरी को क्यूरी करती हैं, ठीक है, पोल करने से मरा दिया उसको इसके साथ लिंक अप करने, जैसे हम अपना वोट पोल करते हैं यानी मॉडल रिपोजिटरी को बार बार क्यूरी करती हैं फॉर एनी चेंजेस। पोटेंशियल कंसिस्टेंसी स्टेलनेस प्रॉब्लम, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि स्टेलनेस प्रॉब्लम यानी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है, वो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और हमें ये तब हमारे लिए ये स्ट्रेटजी सूटेबल है अगर मॉडल रिपोजिटरी जो है वो एंटायरली पैसिव है यानी मॉडल रिपोजिटरी इटसेल्फ अगर विजुलाइजेशन को खुद नोटिफाई नहीं कर सकती कि वो एक उसमें कोई चेंजेस आई हैं, तो उस सूरत हाल के लिए ये पुल बेस्ड स्ट्रेटजी बेहतर है क्योंकि मॉडल तो खुद तो नहीं कन्वे, अगर मॉडल यहाँ पे खुद कन्वे करेगा देन दिस विल बी अ पुल स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि विजुअलाइजेशन इटसेल्फ रिक्वेस्ट कर रही है मॉडल को कि इफ देयर इज एन चेंज जस्ट लेट अस नो। ठीक है, और चूंकि मॉडल रिपोजिटरी पैसिव है दैट्स व्हाई वी कैन से कि वी कैन सेव सम कंप्यूटिंग पावर और रिसोर्सेज यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल, अब इससे जो अगली अपकमिंग है कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी दैट इज पुश बेस्ड, ठीक है, वो इससे मिलती जुलती है, फर्क सिर्फ पुल और पुश का ही है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे एक एप्लीकेशन या इंटरफेस की बात करते हैं जिसमें वी हैव वन यूजर इंटरफेस,
ठीक है। और यूजर इंटरफेस में हम करते क्या हैं कि वी हैव एन इंटरफेस जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इनपुट कर रहे हैं, हम एक सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज वी कैन से द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, और सेकेंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज के जो हम यहाँ पर लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज या टेक्स्ट बेस्ड विजुलाइजेशन लिख रहे हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन में वो ऑटोमेटिकली मॉडल में कन्वर्ट हो रही है, नेचुरल लैंग्वेज टू मॉडल, या इसको हम विजुलाइजेशन भी कह देते हैं, क्योंकि सिंस वी आर स्टडिंग विजुलाइजेशन, वो ऑटोमेटिकली विजुलाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है। क्या चीज़ जो हमने यहाँ पे टेक्सचुअल विजुलाइजेशन है या टेक्सचुअल जेनेरिक अप्रोचेस फॉर आर्किटेक्चर मॉडल में हमने पढ़ा था, नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म में हम यहाँ पे मॉडल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को, और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड कंसोल ऑफ द एप्लीकेशन उसमें जब हम यहाँ पे ओके का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली आर्किटेक्चर मॉडल में विजुलाइज हो जाती हैं। अब यहाँ पे अभी हमने ऊपर स्लाइड में पढ़ा है कि कंसिस्टेंसी और स्टेलनेस प्रॉब्लम है, और मॉडल रिपोजिटरी है वो एंटायरली पैसिव है। इससे मुराद ये है, मॉडल रिपोजिटरी का पैसिव होने से मुराद ये है कि ये ऑटो अपडेट नहीं कर रहा। अगर हो सकता है यहाँ पे क्लाइंट ने कुछ एडिट किया है या किसी प्रोफेशनल या रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर ने कुछ एडिट किया है, लेकिन वो एडिटिंग तब तक कन्वे नहीं होगी टू द सेकेंड फेज ऑफ द एप्लीकेशन जब तक ये वाला जो है खुद यहाँ से पुल नहीं करेगा इंफॉर्मेशन, जब तक ये खुद क्वेरी नहीं करेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन को, तब तक ये जो सेकंड पार्ट ऑफ जो कंसोल है लाइक सेकंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन वो ऑटो अपडेट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स ये वाला जो एप्लीकेशन का हिस्सा है लाइक फर्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन दिस इज पैसिव, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज पैसिव बिकॉज इट इज़ नॉट अपडेटिंग इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। और ये वाली चेंज जो यहाँ पे आई है एडिट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट कब होगी सेकेंड कंसोल में, जब सेकेंड कंसोल खुद क्वेरी करेगा फर्स्ट कंसोल को कि लेट मी नो इफ देयर इज एनी चेंज, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एप्लीकेशन का ये वाला हिस्सा है दैट इज़ द एक्चुअल विजुलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे यूजिंग इनफॉर्मल या फॉर्मल ग्राफिकल मॉडलिंग या यूजिंग UML मॉडलिंग वी आर एक्चुअली विजुलाइजिंग द मॉडल, और मॉडल क्या है जो कि फर्स्ट फेज फर्स्ट कंसोल ऑफ द एप्लीकेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडल है विच इज द एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट फेज ऑफ द एप्लीकेशन वो पैसिव है, और दैट्स वाई जो विजुलाइजेशन वाला हिस्सा वो उससे बार बार क्वेरी कर रहा है कि इफ देर इज एन अपडेट लेट मी नो सो दैट आई कैन ऑटो अपडेट माई सेल्फ, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकूँ। सो दिस इज अ पुल स्ट्रेटजी बिकॉज विजुलाइजेशन आर कॉन्टिन्यूसली एक्चुअली यू नो मेकिंग अ क्वेरी टू द मॉडल फॉर एनी चेंजेस, ठीक है। सो दिस इज अ पुल स्ट्रेटजी फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग विजुलाइजेशन। सेकेंड स्ट्रेटजी इज पुश बेस, यकीनन ये इसका थोड़ा ऑपोजिट होगा, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। विजुलाइजेशन एक्टिवली नोटिफाइड एंड अपडेट देमसेल्फ व्हेनेवर मॉडल चेंजेस फॉर एनी रीजन। अब यहाँ से हमें पढ़ते साथ ही पता चल गया कि एक्टिवली नोटिफाइड, ठीक है, विजुलाइजेशन एक्टिवली नोटिफाइड होती हैं, इन्हें कौन नोटिफाई करता है, मॉडल रिपोजिटरी, इट मीन्स मॉडल रिपोजिटरी यहाँ पे पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव होगी। बेस्ट फॉर मल्टीपल साइमल्टेनियस विजुलाइजेशन, ये स्ट्रेटजी ऐसी विजुलाइजेशन के लिए बेहतर है जो कि जिन्होंने इकट्ठा या साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होना होता है। हार्ड टू डिबग, मस्ट अवॉइड इनफाइनाइट लूप्स एंड सटल कंकरेंसी कंडीशंस, अगेन ऐसी चीज़ जो साइमल्टेनियसली चलेगी उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, जैसे इनफाइनाइट लूप्स हो सकते हैं, कंकरेंसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और अगेन चूंकि ये साइमल्टेनियसली चलती हैं तो ऐसी विजुलाइजेशन या इनकी बेस पे जो एप्लीकेशन बनती है दे कैन बी हार्ड टू डिबग। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं विजुलाइजेशन टू मॉडल रिपोजिटरी है, और ये एरो साइन की डायरेक्शन इस तरफ है जो हमें ये बता रही है कि ये मॉडल ऑटोमेटिकली विजुलाइजेशन को खुद नोटिफाई कर रही है मॉडल रिपोजिटरी। अच्छा, जो एग्जांपल अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी थी अगर हम उसे ही कंसिडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि पिछली स्लाइड में हमने ये कहा था कि जो पार्ट वन है ऑफ द कंसोल दैट वाज पैसिव, यानी जहाँ पे हम नेचुरल मॉडलिंग नेचुरल लैंग्वेज बेस हम मॉडल कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट,
और पार्ट टू जो था कंसोल टू, वो खुद क्यूरी कर रहा था मॉडल को कि इफ देर इज एनी चेंज कन्वे दैट चेंज टू मी सो दैट आई कैन ऑटो अपडेट माई सेल्फ। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसमें क्या है कि पार्ट वन जो कि प्रीवियसली में पुल बेस्ड में पैसिव था, इसमें वो एक्टिव है विच इज़ द मॉडल रिपोजिटरी। जैसे अगर हम उसी को रीमॉडल करने की कोशिश करें, विजुअल दोबारा विजुअलाइज करें जो हमने पिछली स्लाइड में किया था, हमने कहा था ये पहला हिस्सा है जहाँ पे हम क्या है जो कंसोल है जहाँ पे मैं अपने या क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स लिख रहा है और वो रिक्वायरमेंट्स क्या है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रही हैं इनटू विजुअलाइजेशन, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन में। ठीक है जी, और हमने पिछली एग्जांपल में ये कहा था कि पुल बेस्ड स्ट्रेटजी में जो ये वाला हिस्सा है यानी ये वाला पार्ट वन इज़ द मॉडल, ठीक है, दिस वन इज पैसिव, ठीक है, और एक्चुअली जो दूसरा पार्ट टू है ऑफ द एप्लीकेशन वो क्या करता है, वो एक्टिव हिस्से को वो पैसिव हिस्से को क्यूरी करता है। पार्ट टू इज एक्चुअली विजुअलाइजेशन। ये हम अगर पिछले की बात करें, पिछले में ऐसे था। पुश बेस्ड स्ट्रेटजी में क्या है कि ये वाला हिस्सा इज एक्टिव, ठीक है, यानी मॉडल जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे कोई चेंज आएगी बाई एनी वन, ठीक है, कोई भी जैसे ही यहाँ पे कोई चेंज करेगा, लेट्स से कुछ एडिट करेगा, ऑटोमेटिकली ये मॉडल इसको विजुअलाइजेशन को नोटिफाई कर देगा और ये वाली जो ग्राफिकल विजुअलाइजेशन है वो अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी जो भी चेंज जो है वो कंसोल वन में आई है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि मॉडल इज एक्टिव और वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो चेंज है वो एक ही जगह हो, दैट कैन बी एट मल्टीपल टाइम्स, दैट चेंज कैन बी एट मल्टीपल वेन्यूज विद इन द कंसोल वन। दैट्स वाई वी से कि साइमल्टेनियसली हम मल्टीपल चेंजेस को यहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं टू कंसोल टू ऑफ द एप्लीकेशन, और अगर कोई चीज़ साइमल्टेनियसली चलेगी एक से ज़्यादा होंगी, 10 या 15 या 20 से भी ज़्यादा चेंजेस हों, तो उसमें क्या है कंकरेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है कि कौन सी चेंज पहले अकोमोडेट होगी कंसोल टू में, ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन है, ऊपर वाली नीचे वाली दरमियान वाली कौन सी चेंज पहले अकोमोडेट होगी इन कंसोल टू। तो दैट्स वाई सच प्रॉब्लम्स कैन अकर, बट दिस इज अनदर कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी फॉर विजुअलाइजेशंस।